हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या आपको भी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत से डर लगता है? ज़्यादातर स्टूडेंट जो नीट क्वालिफाई कर लेते हैं वो कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, कुछ CBSE और NCERT के होते हैं। तो जो CBSE और NCERT के जो स्टूडेंट होते हैं उनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट उनको संस्कृत और इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डर लगता है। बट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये अपोजिट हो जाता है। उनका हिंदी और संस्कृत बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बट इंग्लिश उनका बहुत कमज़ोर रहता है। सभी स्टूडेंट का नहीं, कुछ स्टूडेंट्स जिनको अंदर से फोबिया हो जाता है कि अगर हमको मेडिकल का, अगर अपन तैयारी कर रहे हैं, नीट का तैयारी कर रहे हैं, और नीट का तैयारी करने के बाद अगर अपन लोगों को अच्छे कॉलेज में MBBS सीट नहीं मिला तब क्या होगा, क्योंकि 15 लाख लोग हर साल फॉर्म भरते हैं जो MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं, और कुछ BAMS भी करना चाहते हैं, कुछ BDS करना चाहते हैं। 1 लाख ही सीट है, 7 लाख लोग ही क्वालिफाई कर पाते हैं और 1 लाख ही MBBS डॉक्टर बन सकते हैं। बट अगर आपका अच्छा नंबर नहीं आया तब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तब आपके पास सेकेंडरी ऑप्शन बचता है BAMS, BDS और BHMS। इसी फील्ड में आप जा सकते हैं। बट प्रॉब्लम तब शुरू होता है, मेन प्रॉब्लम तभी शुरू होता है जब आपका, अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो गया BAMS में, BDS में या BHMS में, तब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है जब आप कॉलेज में जाओगे तब आपको एकदम से हाई लेवल का इंग्लिश फेस करना पड़ता है। CBSE लेवल का इंग्लिश आपको फेस करना पड़ेगा। आपको थ्रू आउट इंग्लिश एकदम अच्छे से आना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। अगर टूटी फूटी इंग्लिश आती है तो आपका बैक लग जाएगा, आप फेल भी हो सकते हो, और उससे आपका जो डिग्री 5.5 साल का है वो 6.5 साल 7 साल भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कॉलेज में जब अपन थे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पे, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल थे जो सीनियर थे वो मतलब फर्स्ट ईयर के ही एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे थे। जैसे पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट हुआ या एनाटॉमी हुआ, उसको क्लियर करने में उनको 3-3 साल लग गया। केवल एक सब्जेक्ट के चलते ही वो फर्स्ट ईयर क्लियर करके सेकेंड ईयर पे ही नहीं जा पा रहे थे। जब आपका फर्स्ट ईयर क्लियर होगा तभी आप सेकेंड ईयर दे सकते हो, फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं होगा तब आप सेकेंड ईयर नहीं दे सकते हो। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर आप एक साथ दे सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपका सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, तब आप उस सब्जेक्ट को दे सकते हो और साथ में फाइनल ईयर के सारे सब्जेक्ट आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो ऐसा रूल है, फर्स्ट ईयर में जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उसमें 3 से 4 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना होता है। अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हो तब आपका 6 मंथ बैक लग जाएगा। ये रूल बहुत रफ एंड टफ है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बैंगलोर का। बाकी अदर स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं, सब जगह का अलग अलग नियम है। तो प्रॉब्लम यहीं पे आके फंस जाता है। जो CBSE के जो स्टूडेंट होते हैं उनको क्या होता है, उनका अगर नीट में अच्छा नंबर नहीं आया और अगर उनको BAMS या फिर BDS या फिर BHMS कॉलेज प्रोवाइड हुआ, उनको मिल रहा है अगर नीट के नंबर के हिसाब से, तो उनको प्रॉब्लम तब होता है, तब फिर उनके अंदर में एक फोबिया जैसा डर बन जाता है। उनको ये लगता है कि अगर अपन लोग BAMS में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि वो सुने रहते हैं बहुत सारा अफवाह भी लोग उड़ा देते हैं, इसमें संस्कृत है, संस्कृत बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, श्लोक याद करना पड़ेगा, बिना श्लोक के एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, संस्कृत से ही एकदम आपको डॉक्टर बनना है, वो सारी चीज़ें हैं। बट कुछ चीज़ें अफवाह भी हैं जो आपको ध्यान नहीं देना है। होता क्या है, देखो BAMS और BHMS, अगर मान लेते हैं आपको BHMS, अगर आप संस्कृत की वजह से BHMS ले रहे हैं। कल एक स्टूडेंट हमसे पूछ रहा था इंस्टाग्राम पे कि सर मेरे को BAMS और BHMS दोनों मिल रहा है, मेरे को क्या लेना चाहिए। तो वो BHMS के साइड, मतलब वो स्टूडेंट BHMS लेना चाह रहा था, वो इसलिए क्योंकि उसको संस्कृत से डर लग रहा था। वो CBSE का स्टूडेंट है, अब उसको संस्कृत से थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं संस्कृत मेरे से कवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर से लेके BAMS में फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक संस्कृत तो है ही, तो उसको तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेस करने के बजाय उसको छोड़ के ही भाग जाओ। BHMS से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन BAMS है, इसलिए आपको BAMS ही सेलेक्ट करना चाहिए अगर आपके सामने ऐसा सिचुएशन आता है। BHMS कोई ख़राब ऑप्शन नहीं है, बट अगर आपको BAMS मिल रहा हो तब आपको BAMS ही सेलेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज से। तो होता यही है, यही प्रॉब्लम है जो CBSE के स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है संस्कृत के लिए, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है इंग्लिश थ्रू आउट इंग्लिश एग्ज़ाम में लिखने के लिए। हम भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे जब अपन स्कूल में थे, उस टाइम पे हमको
शुरू से हिंदी ही बेस था। जब कॉलेज में आए तो एक साल तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, एक साल तक शुरू में बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ। बट इसको ओवरकम करने के लिए अपन क्या किए, दो राइटर की बुक पकड़ते थे, उसी राइटर की हिंदी, उसी राइटर की इंग्लिश। पहले हिंदी की बुक को अच्छे से पढ़ते थे, फिर इंग्लिश की बुक को पढ़ते थे, और फिर इंग्लिश का जो न्यूज़पेपर होता है उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करते थे बीच बीच में। मैगजीन जो आती हैं आयुर्वेदा की वो पढ़ लेते थे, और ऐसे ही धीरे धीरे करके डिक्शनरी एक रखे थे, मेडिकल डिक्शनरी। और बहुत सारे आजकल ऐप भी हो गए हैं जिसमें आप ट्रांसलेट कर सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। तो ऐसे ऐप का इस्तेमाल करते थे, तो इससे धीरे धीरे करके थोड़ा सा मतलब सेंटेंस बनने लगा। तो यही चीज़ है, आप लोगों को यही चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इंग्लिश मीडियम वाले तो कैसे भी करके निकाल ही लेते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि उनका इंग्लिश अच्छा होता है, वो एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हैं, और वहीं पर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट मार खा जाता है। तो आपको इन्हीं सभी बातों को ध्यान रखना है एडमिशन लेने के पहले। अगर आपको BHMS और VMS मिल रहा हो, अगर दोनों गवर्नमेंट कॉलेज से मिल रहा है, तब भी आपको BMS ही सेलेक्ट करना है, क्योंकि आप BMS में ज़्यादा बेहतर आप कर सकते हैं। आप इमरजेंसी फील्ड में भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, BHMS में भी कर सकते हैं, पर BMS में अथॉरिटी भी है स्टेट का। तो यही मेन चीज़ है। बाकी आज के वीडियो से आपको क्या जानकारी मिला, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि आपके डर को बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि हम भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और हम भी BMS किए हैं। तो BMS में एक साल में जितना भी फेस किए होंगे वो एक साल ही किए ना, बट आज उतना मेहनत करने के बाद आप एक अच्छे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं और एक अच्छा सैलरी पैक भी पा सकते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।